तुम लोग अगर 2024 के सबसे जबरदस्त हलीमा खाना चाह रहे तो शुरू करो ग्रिल 9 की जबरदस्त बहुबली हलीम के साथ। मैं 3 साल पहले कुछ बनाया था, आंखों पे पट्टी डाल के हैदराबाद के बेस्ट 10 हलीमों को रख के आंखों पे पट्टी डाल के ट्राई करा था, तो रैंक 1 पे जो आई थी हलीम वो ग्रिल 9 की आई थी, सबसे जायकेदार सबसे लजीज। इसीलिए अपन शुरू कर रहे ग्रिल 9 की हलीम से। आहा, क्या रेशेदार क्या गोशेदार। चलो भाई बिस्मिल्लाह बोल के अपन क्या करेंगे। बॉम्ब ऑफ फ्लेवर्स है, एकदम रेशेदार वाकई बोले तो। और साथ ही साथ इनके सबसे बेस्ट क्या है मालूम, बहुबली अलीम पूरे हैदराबाद में शुरू करे सो वाले यहाँ पे ग्रिल 9 वाले, उसके ऊपर एक अंडा डालते, क्रीम डालते, पत्थर का गोश्त डालते। मैं लेट आया होना बोल के, वरना खड़ने जगह नहीं रहती, पब्लिक एक दूसरे को पंचा मार के लेती सो। सबसे जायकेदार ऊपर से घी भी डाले और वो शेरवा भी डाले। आई एम श्योर जो हैदराबाद में दूर है बोल के नहीं आते ना यहाँ पे, कैसा भी आओ, क्योंकि तुम ना बोलते यार बात करेगी अरे खुर्शीद क्या है, लेकिन जेन्यून बोल रहा हूँ मैं आपको। ये कारखाना पुलिस स्टेशन के एकदम बाजूक है, जिसको नहीं मालूम आई एम श्योर बहुत फेमस है ऑलरेडी, क्योंकि इनके 2 ब्रांचेस है, ये मेन ब्रांच है इसीलिए बोल दे रहा हूँ, कारखाना पुलिस स्टेशन के बाजूक। कैसा भी इनकी नॉर्मल हलीम ट्राई कर लो तुम ना क्रेजी हो जाते, लेकिन अगर बहुबली भी खाना चाह रहे तो वो भी खा सकते, क्योंकि एक्स्ट्रा क्रीम व्रीम डाल के देते, जबरदस्त। ये हो गया, नेक्स्ट क्या है वो देखिए भाई। जब सबसे फ्लेवरफुल हलीमों की बात हो रही ना, तो ये स्पाइस 9 की कोफ्ता हलीम जरूरी है ट्राई करना, क्योंकि एक तो वो कोफ्ता रहता, वो कोफ्ते में ऐसा फ्लेवर है आपके जबड़े पे उसको 1 घंटे तक रहता फ्लेवर। दूसरा क्या है मालूम, इनो एक अलग से पाए का शोरबा बनाते, हड्डियों का शोरबा, जिसके अंदर वो शोरबे में इतना फ्लेवर रहता कि हलीम के ऊपर डाल के देते, तो वो जायकेदार कोफ्ता, जायकेदार हलीम और आखिरी फ्लेवर बॉम्ब वाला शोरबा, उरों को मिक्स करके खाओ आप, क्या होता मालूम, चीख मार चड्डी फड़ जाता मसला। ये पहले भी खाया था मैं, बहुत जबरदस्त दिखी थी, लेकिन आज उससे भी डबल जबरदस्त थे। क्या फ्लेवर, क्या जायका, मजा आ गया। खाली वो शोरबा और हलीम खाया मैं, क्या करता हूँ कोफ्ते के साथ खाता हूँ मैं, उगड़ आ रहा है और वाकई अभी तक फ्लेवर मेरे को वो शोरबे का आ रहा मालूम पूरी जबान पे। कोफ्ता क्या है मालूम, थोड़ा इन लोग मसाला कम करे, नहीं तो लास्ट टाइम आखिरी फ्लेवर बॉम्ब था, अच्छा है जबरदस्त है, लेकिन जो हलीम और वो शोरबा ना, चीख मार चड्डी फाड़। इनकी सिंगल प्लेट 260 रुपीज में, एक कोल्ड ड्रिंक भी फ्री है, और ये कोफ्ता हलीम 350 रुपीज में, 2 गुड है। ये जो शोरबा का मजा आ रहा ना वो हलीम के साथ नेक्स्ट लेवल है। कैसा भी आप 2024 में ये भी ट्राई करो। ये हो गया, नेक्स्ट क्या है वो देखेंगे। जब हलीमों की बात हो रही ना, तो ईरानी हलीम खाना जरूरी रहता, क्योंकि हलीम क्या है, ईरान से आई हुई है, वो अलग बात है, यहाँ पे अपन मार मार के अपने स्पाइसेस डाल डाल के हैदराबादी बना, असली ईरानी हलीम ऐसी रहती, फ्लेवर तो पकड़ता अपना जबड़ा, लेकिन सीना नहीं जलता, क्योंकि वो जायका, वो मसाले, वो जाफरान पूरा ईरान का है। इसीलिए मैं असली ईरानी हलीम खाने आ गया लकी रेस्टोरेंट पे, जबरदस्त है यहाँ की, कम हड्डियां है, जबरदस्त गोश्त है और जायकेदार। बिस्मिल्लाह। पर इतना प्योर घी डाले, और एक चीज बोलना चाहूंगा, 150 रुपीज में इनका वैल्यू पैक है। अक्सर क्या है मालूम, 250 रुपीज, 270, 280 रुपीज हो गए हलीम, यहाँ पे 230 रुपीज में हलीम है सिंगल, उससे भी कम जो खाली चलते फिरते टेस्ट कर लिए, उन लोगों के लिए ओनली फॉर रुपीज 150 वैल्यू पैक, जबरदस्त है मसला। कैसा भी 2024 के हलीम खा रहे तो ये वाली एक हलीम तो जरूरी है। अपना नेक्स्ट स्पॉट जो है शादाब होटल है। शादाब का मसला क्या है बोले तो, बिरयानी बहुत बेहतरीन है कि सबको मालूम है, हलीम भी इतनी लाजवाब है, एकदम गोशेदार, रेशेदार, जायकेदार, मसाले ऐसा जबान पे उतर के मेरे तो टॉप 5 में रहती रहती हमेशा। अगर आप अभी तक नहीं खाए तो कैसा भी खाना, पब्लिक का आलम देखो यार, वो खड़ने मुश्किल हो रही यहाँ पे, कैसा खड़ना, कैसा पार्सल लेना, लेकिन अपने क्या है ऑर्गेनाइजेशन में संभाल लेते, आओ खिला के दिखाता। चलो क्या है, लोग मिलेंगे, अरे भाई रोदा नहीं थे क्या, रोदा नहीं थे क्या, पहले बाहर शूट कर लिए, नमाज पढ़ लिए, रोदा खोल लिए, फिर वहाँ पे आके अपन, ये जबरदस्त जायकेदार, पहले से ही बोल दे रहा हूँ, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से खाली दे दे कर रहा हूँ मैं शादाब की हलीम। चलो भाई बिस्मिल्लाह। एक रहता ऊपर से घी डालना, इसमें क्या है मतलब पहले से घी मिक्स रहता, इन्फ्यूज रहता, लाजवाब है, गोश्त से भरी हुई है, रेशेदार है, और एक हैदराबादी जायके को जो बोलते नहीं जबान पे उतरे तो देखो वैसा पढ़ना, वो पढ़ा मेरे को, मेरी वन ऑफ द बेस्ट हलीम्स बोलता हूँ मैं। अगर आप हैदराबाद में रहके यहाँ की हलीम नहीं ट्राई करे रमजान में बोले तो फिर आप कैसा है हैदराबादी। चलो ये हो गया, नेक्स्ट क्या है वो देखिए। देखो नाम बहुत पुराना है लेकिन ये वाला काम नया है, सुभान बेकरी जबरदस्त रोड देते हुए आ रहे 100 साल से, लेकिन आज अपन यहाँ की मटन हलीम खाने वाले, असली घी, असली ड्राई फ्रूट, जबरदस्त मटन पोटले का गोश्त, मैं इतना फिरने के बाद इसको भी डाल रहा हूँ बोले तो कुछ तो बात है सुभान बेकरी की हलीम में। सिंगल प्राइस 270 की है, लास्ट ईयर शुरू करे थे, 1 साल में धूम मचा दी और पूरे हैदराबाद की वन ऑफ द फेवरेट हलीम बन गई। चलो भाई बिस्मिल्लाह बोल के अपन खा के देखेंगे, क्या बात है कि असल देखेंगे। हाँ भैया ऊपर से थोड़ा एक्स्ट्रा घी डाले मेरे को, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा घी का फ्लेवर आ रहा, लेकिन मैं टेक्सचर की बात करूंगा, जबरदस्त जायकेदार, गोश्त भी बहुत प्यारा है, इनफैक्ट
दूसरों के मुकाबले जितने भी मैं मटन हलीम खाया ना, किसी में घी ज्यादा रहता, किसी में जायका ज्यादा रहता, इसमें मैं बोलता हूँ गोश्त का रेशियो बहुत ज्यादा है। इनके मल्टीपल ब्रांचेस है, मैं तो नामपल्ली पे आया, आपको रेती बोली पे भी मिलेंगी, ये टोली चौकी पे भी एक छोटा आउटलेट है वहाँ पे भी मिलेंगी। कैसा भी 2024 के हलीम में से आप नई हलीम ट्राई करना चाह रहे हो तो सुबान बेकरी की हलीम जरूर ट्राई करिए। जब अपन लोग सबसे जबरदस्त हलीमों का वीडियो बना रहे तो हैदराबाद की सबसे फेमस सबसे मोस्ट सेलिंग हलीम अगर नहीं बनाए तो फिर कैसा? पिस्ता हाउस नाम ही काफी है, पूरा जो हलीमों का ट्रेंड है इन्हों शुरू करे। इनफैक्ट इतना जबरदस्त है मसला कि मेरे को अंदर घुसने नहीं दे रहे थे वीडियो बनाने, ये पिना दिए मेरे को। कई को बोले तो हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और एक अकेली इकलौती दिखी मेरे को हलीम की ऐसी जगह जो लिटरली वहाँ पे नंबर लगाए कि भाई आपको कोई भी कंप्लेंस है, कोई भी तकलीफ है तो वो नंबर पे कॉल करो आप, हम आपके कॉल आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। बिस्मिल्लाह बोल के खाएंगे। घी तो जबरदस्त आया ऊपर। मैं एक चीज बोलूंगा आपको, मेरे को क्या प्रॉब्लम नहीं की मालूम, ये चमचा बहुत छोटा है। जबरदस्त इतना लजीज आइटम रहा बोले तो ऐसा मोटा चमचा रहना ताकि पूरा निवाला अपने एक साथ मुंह में जाना। ये हैदराबाद की वाहिद हलीम है जिसको खाली सूरत से देख के बोल दे सकते हैं आपकी ये पिस्ता हाउस की है। टेस्ट तो बाद में कर सकते हैं आप। एक टाइम था थोड़े लोग हमें बहुत कंप्लेन करते थे कि भाई हड्डी आम होता थे, तीन निवाले खा लिया, एक भी हड्डी नहीं आई। और ये प्रॉब्लम एक आई थिंक 5-6 साल पहले बोले थे लोग, तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करे इसीलिए क्या मालूम वहाँ पे कंप्लेन के लिए नंबर भी डाले। तो मतलब पिस्ता हाउस क्या मालूम पूरी कोशिश करता अपनी तरफ से कि भाई कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिलना। तो गुड है ये, नेक्स्ट क्या है वो देखेंगे। चलिए, यही है वो रोड जिधर हलीम के नाम पे जलजला आ गया पब्लिक में। क्रेजी हलीम अजीबो वाले शुरू करे, इधर की हलीम असली पोटले का गोश्त घी और ऊपर से 65 डाल के दे रहे, मतलब हर कॉम्प्लीमेंट्री 65 है 250 रुपीज में अजीबो की हलीम। मैं बोला भाई इतना बड़ा सेंसेशन अगर लाई तो एक बार दिखाना जरूरी है अपने को। अरे अरे क्या गाड़ी है भाई, चलो भाई बिस्मिल्लाह बोल के खा के देखेंगे। बेहतरीन गोश्त की क्वांटिटी जो रेशियो बोलते हैं बहुत जबरदस्त है, फ्लेवरफुल है, अरेबियन बोल सकते हैं इसको क्योंकि ये अरेबियन रेस्टोरेंट की तरफ से है। घी तो ऊपर से भी डाल के दिए तो वो एक्स्ट्रा अरोमा आ जाता। क्या करता हूँ मैं 65 के साथ खाऊंगा। आई नो कई लोगों को क्या है मालूम, हलीम के साथ 65 नहीं पसंद है, लेकिन मेरे को पसंद है क्योंकि वो खटास भी दे देता और वो गोश्त एकदम चिकन मोटा मोटा जो बोल्ट रहता वो बहुत पसंद। आप भी ट्राई कर सकते हैं 2024 में ये भी हलीम, कैसा भी ट्राई करो आप। ये हो गया, नेक्स्ट क्या है वो देखिए। अब हर कोई देखो बड़े की हलीम खाते नहीं, लेकिन जो खाते ना उन्होंने अगर सिटी डायमंड की मेहंदीपट्टनम की हलीम नहीं खाए बोले तो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे। मैं तो 10 साल से खाता हूँ और यकीन मानो अगर आप इफ्तार के टाइम पे आके लेने के तो पब्लिक ऐसी रहती, लड़ लेना पड़ता, ए मूसा दे घुसा, इनको देना उनको देना, जाके लेना पड़ता, ऐसी जबरदस्त हलीम है। बिस्मिल्लाह बोल के खाएंगे। बन जायकेदार गोशेदार, मतलब गोश्त के रेशे ऐसे रहना बोलता हूँ मैं, ये सिर्फ बड़े की हलीम में आती है। और सबसे बेस्ट अगर रही हैदराबाद में बोले तो सिटी डायमंड मेहंदीपट्टनम। जो जो नहीं खाए उन लोगों का खाना जरूरी है। गोश्त भी देखो आप इतना लाजवाब है, थोड़ी महंगी है 160 रुपीज की है सिंगल, लेकिन जो प्राइस है वो वर्थ इट है क्योंकि डबल गोश्त बोलते मेरे को तो इसमें चौगल गोश्त दिखता मालूम।